दोस्तों, जब आप किसी गाड़ी की स्पेसिफिकेशन देखते हैं तो आप उसमें जरूर देखते हैं कि इस गाड़ी का टॉर्क कितना है और पावर कितना है। ऐसे में अगर आप जानना चाहते हैं ये टॉर्क और पावर होता क्या है तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं सीएम टेक। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कोई भी इंजन जो पावर प्रोड्यूस कर सकता है उसे दोस्तों हॉर्स पावर कहते हैं। अब मैथमेटिक्स के हिसाब से देखें दोस्तों तो एक हॉर्स पावर वह पावर है जो 550 पाउंड भार को एक फुट तक एक सेकंड में खींचने में लगती है। अब दोस्तों, ये जो हॉर्स पावर है वो एक डिवाइस द्वारा मेजर की जाती है जिसका नाम है डायनोमोमीटर। अब दोस्तों, डायनोमोमीटर क्या करता है, वो इंजन के क्रैंकशाफ्ट पर कुछ लोड डालकर इंजन के क्रैंकशाफ्ट की ट्विस्टिंग पावर मेजर करता है। और दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर इंजन के क्रैंकशाफ्ट पर कुछ लोड पड़ रहा है, मतलब एक नेगेटिव पोटेंशियल इंजन के क्रैंकशाफ्ट पर पड़ रहा है, तो इसलिए जो ये पावर मेजर करता है डायनोमोमीटर, इसे हम BHP बोलते हैं दोस्तों। ब्रेक दोस्तों, जैसे कि हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, टॉर्क जो होता है दोस्तों वो होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। लेकिन दोस्तों, गाड़ियों के केसेस में जो टॉर्क होता है दोस्तों, टॉर्क जो होता है मोशन प्रोड्यूस कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। अगर मैं कहूँ कि आपसे कि जैसे मेरे पास एक क्रैंकशाफ्ट है जो कि रोटेट तो हो रहा है, लेकिन अगर हमने कोई ड्राइव मैकेनिज्म नहीं लगाया है हमने टायर तक, तो मोशन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है टायरों में। दोस्तों, जो ये टॉर्क होता है दोस्तों, वो अलग अलग RPM पे मेजर किया जाता है गाड़ियों के केसेस में। अब दोस्तों, जो हमको ये दो क्वांटिटीज मिली डायनोमोमीटर की मदद से, टॉर्क और RPM, इनकी मदद से हम हॉर्स पावर निकालते हैं दोस्तों। इसके लिए जो फॉर्मूला यूज्ड होता है दोस्तों ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में, वो होता है हॉर्स पावर इज इक्वल टू टॉर्क मल्टीप्लाइड बाय RPM अपॉन 5252। अब यहाँ से दोस्तों, हमने डायरेक्ट हॉर्स पावर क्यों नहीं कैलकुलेट कर लिया दोस्तों, इसलिए क्योंकि टॉर्क जो होता है वो इजिली मेजरेबल क्वांटिटी है। हॉर्स पावर के कंपेरिजन में टॉर्क हम इजिली मेजर कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, जो ऑटोमोटिव सोसाइटी है उन्होंने दो स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं हॉर्स पावर मेजर करने के लिए। जो पहला स्टैंडर्ड है दोस्तों वो है नेट हॉर्स पावर, और जो दूसरा स्टैंडर्ड यहाँ पर है वो है ग्रॉस हॉर्स पावर। अब दोस्तों, नेट हॉर्स पावर वह पावर होती है जो फैक्ट्री में से गाड़ी निकलने के बाद जो हॉर्स पावर गाड़ी की है उसे दोस्तों नेट हॉर्स पावर कहते हैं। बल्कि जो ग्रॉस हॉर्स पावर होती है दोस्तों, वह पावर होती है जब इंजन हमारा फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर हो रहा होता है, उस पावर को हम ग्रॉस हॉर्स पावर कहते हैं। अब दोस्तों, क्योंकि गाड़ी में कुछ मेटल पार्ट्स लगे हैं अलग से, तो इस कारण से गाड़ी का वेट बढ़ जाता है, जिस कारण से हमें पावर में डिफरेंस देखने को मिलता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देख के आपको समझ आ गया होगा कि टॉर्क क्या होता है और पावर क्या होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि रोजाना मैं आपके लिए ऐसी ऑटोमोटिव टॉक लाता रहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।